माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्से 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
वाह विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त वाह विशुद्धि पे हैं। श्री विष्णु माया मंत्र ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। वाह विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 times। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आ गया, फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 times। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। इस नववर्ष के शुभ अवसर पर दिल्ली में हमारा आना हुआ और आप लोगों ने जो आयोजन किया हुआ है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना होनी चाहिए। नववर्ष जब शुरू होते हैं तो उस वक्त कोई ना कोई नवीन बात, नवीन धारणा, नवीन सूझबूझ मनुष्य के अंदर जागृत होती है, वो स्वयं स्फूर्त होती है। जिसने भी नवीन वर्ष की कल्पना बनाई है, वो कोई बड़े भारी दृष्टा रहे होंगे जो ये सोच करके कि ऐसे अवसर पर प्रतीक रूप मनुष्य के अंदर एक नई उमंग, एक नया विचार, एक नया आंदोलन जागृत हो जाए। ऐसे अनेक नवीन वर्ष आए और गए, नई उमंगें आई, नई धारणाएं आई और खत्म हो गई। मनुष्य की आज तक की जो कुछ धारणाएं रही हैं, एक परमात्मा को छोड़ के बाकी सब एक मानसिक क्रियाएं रही या बौद्धिक प्रक्रियाएं रही। मनुष्य अपने बुद्धि से जो भी ठीक समझता था, उसका आंदोलन एक नवीन कल्पना समझ करके चला था। वो आंदोलन कुछ दूर तक जाके फिर न जाने क्यों हठात उसी विशेष व्यक्ति को और उसी समाज को या उस समय में रहने वाले लोगों पर आघात करता। इसका कारण क्या था ये लोग नहीं समझ पाते।
लेकिन आज हमें इसका साक्षात बहुत ज्यादा अधिक स्पष्ट रूप से हो रहा। जैसे कि धर्म की व्यवस्था हुई, धर्म की व्यवस्था में मनुष्य ने जब भी बुद्धि और मानसिक शक्तियों का उपयोग किया तो बुद्धि के दम में वो एक वाद विवाद के क्षेत्र में बढ़ गया और अनेक वाद विवाद शुरू हो गए। अगर सत्य एक है तो पंथ इतने क्यों हुए, इतने धर्म क्यों हुए, उन धर्मों में भी इतने और भी जाति भेद क्यों हो गए। ऐसे भेद करते करते न जाने दुनिया में कितने ही गुट जम गए हैं जिसका समझ में नहीं आता है। किसी से पूछते हैं कि आप साहब कौन धर्म के हैं, तो आपको ऐसे धर्म का नाम बताएंगे कि जो आपने कभी सुना भी नहीं। ऐसे धर्म धीरे धीरे मेरे ख्याल से हरेक नवीन वर्ष में ही उत्पन्न होते गए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि हरेक नवीन वर्ष में कोई न कोई नया उमंग लेकर पैदा हो। इसी प्रकार हमारे बुद्धि से राजनैतिक क्षेत्र में भी बहुत सी नई नई उमंगें आई और मनुष्य ने नई नई बातें निकाली। जैसे शुरुआत में माना गया कि चलो एक राजा ही रहे तो अच्छा है, राजा सबको समझ लेगा और राजा से ही सबको बड़ा लाभ होगा। तो देखा कि जिसको राजा बनाया वही दुष्ट निकला, उसी ने सताना शुरू कर दिया। फिर कहा नहीं राजा तो ठीक नहीं, इसकी जगह ऐसा करो कि प्रजातंत्रात्मक चीज शुरू। फिर उन्होंने प्रजातंत्र शुरू किया। प्रजातंत्र में देखा गया कि हर एक आदमी अपने को बिल्कुल ऐसा समझता है कि वो स्वयं ही उस प्रजा का संस्थापक है, संचालक है और करता है। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका में कितना आतंक मचा, किस कदर हिंसाचार मचा। अगर पढ़ते हैं तो आश्चर्य होता है इस प्रजातंत्र का हाल ऐसा क्यों हो गया, ये तंत्र सारा गड़बड़ क्यों। वही हाल बाद में आप कम्युनिज्म जो आया वो उसकी एक समझ लीजिए कि दूसरी एक नवीन उमंग लेकर के संसार में आया कि अब हम एक नया ऐसा संसार बसाएंगे कि जिसमें सब मनुष्य में समानता आ जाए, उनमें कोई भी तरह का फर्क न रहे, खाने पीने में हर चीज में एक जैसा हो जाए और उसके अलावा उसको कोई स्वतंत्रता नहीं। अगर वो स्वतंत्र हो गया तो स्व के तंत्र में वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता हटा दी जाए। क्योंकि मनुष्य को जब एकदम मूर्ख समझा जाए तभी ऐसा हो सकता है, फिर मनुष्य मूर्ख नहीं है, वो तो हर जगह उसको आप जितना दबाएगा उतना वो खोपड़ी पे चढ़ेगा। तो ये भी चीज कुछ बन नहीं पड़ी, वो भी नहीं बनी, ये भी नहीं बनी। इस तरह से जहां देखते हैं वहीं आतंक। धर्म के मामले में तो आप देख रहे हैं कि किसी के धर्म की हालत देख करके लगता ही नहीं कि परमात्मा भी कोई चीज हो सकती जो एकमेव हो, वो केवल हो, इसके लिए सब लोग आपस में सर काट रहे हैं, सबको मार डाल रहे हैं। तो ये कारण क्या है? जब चीज आपकी एक बहुत ही ज्यादा सुष्ट रूप से नवीनतम संसार में आई है तो इस नवीनतम चीज में और इस नावीन्यपूर्ण चीज को इस कदर गंदी मैली कुचैली करके क्यों संसार में आंखों में नजर आ रही है, उसका ऐसा हाल क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि जो चीज इतनी उदात महान और उसके शुरू करने वाले भी बड़े महान और उदात रहे हैं वो सब के सब जा करके आज कहाँ पहुंच गए। जैसे अमेरिका में मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़े इंसान हो गए, उनको हम कहते हैं इब्राहिम लिंकन, बहुत बड़े आदमी थे, रियलाइज सोल थे, उन्होंने सीधी चीज इतनी बढ़िया चीज संसार में ला दी, इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन अब जो है वहाँ देखते हैं तो सोचते हैं जो उन्होंने किया था पता नहीं उसको किस तरह से इन लोगों ने एकदम विद्रूप और क्रूप करके रख दिया। लेकिन ये बात हो गई। दूसरे अगर आप देखिए तो कम्युनिज्म भी जिस लेनिन और मार्क्स ने बनाया था वो भी रियलाइज सोच थे, उन्होंने भी जो सोचा था वो भी हितकारी चीज थी, वो हित के जगह अब सबका हित थी। और क्या धर्म के भी जो जो संस्थापक हुए सब भी बड़े उदात और बहुत महान लोग थे और उनको भी कोई कह नहीं सकता, उनकी तरफ कोई निर्देश करके नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई गलत काम किया हो या इन्होंने कोई गलत धारणा से की हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन आखिर आगे जाकर के वो चीज ऐसी क्यों, हीरा जो था वो जाकर के कीचड़ में कैसे मिल गया। हीरा तो जहां है हीरा ही रहना चाहिए, लेकिन ये तो हीरा
जो आया सो पूछ करके जैसे उसका बिल्कुल ही तोड़ करके उसको मरोड़ करके और उसको कीचड़ ही बना, और सभी दूत ये चीजें देख कर बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि इस तरह की जितनी भी उदात्त चीजें आई। अब साइंस आया संसार में, लोगों ने कहा अब साइंस आया, अब तो हम लोग के सारे प्रश्न हल हो गए, और उस सब प्रश्न हल होने के बाद में और अब हमें कोई चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए और सब चीज ठीक हो जाएगी। तो बात नहीं, हमने एक राक्षस बना के रख दिया है, एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब ये वो अपने खोपड़ी पे खड़े कर दिए, इधर उससे ही बनी हुई ये प्लास्टिक और ये नायलॉन और ये सब इसके पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए। ये सब चीजें जो सुविधा के लिए बनाई थी इतनी असुविधाजनक हो गई, इनसे दुनिया भर की बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, आखिर क्या बचे, क्यों इस तरह से हो गया। ये सब जो चीजें ये सब हित प्रणीत हित को लेकर थी, हितकारी बनाई गई थी, उसी से मनुष्य की नवीन उमंगें आई, उसी से उसने सोचा कि मानव के उद्धार के लिए चीज बनाई जाए, वही उसके उद्धार की जगह उसको पूर्णतया नष्ट करने की। इसका कारण क्या? कारण यह है कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि मनुष्य की जो धारणा है या मनुष्य का जो विचार है या जो मानव की जो चेतना है वो नीचे की ओर बढ़ और धीरे धीरे वो धूली में मिले, ये उन्होंने कहा नहीं, ये मैं कह रही, क्योंकि आज वो साक्षात है। श्री कृष्ण ने भी जो धारणाएं रखी वो भी धूली में मिली, राम ने जो रखी वो भी धूली में मिल गई, उसके बाद जिन्होंने भी कोई धारणा रखी जो कि बिल्कुल सत्य स्वरूप थी, सत्य का ही अंग प्रत्यंग थी, वो सब धूली में मिल गई। इसका कारण यह है कि जब ये मनुष्य के दिमाग के घड़े में पड़ती है तो उसमें कोई ऐसी विषारू वस्तु है कि जिससे ये सब चीज विष में हो जाती है। ये विषारी वस्तु क्या है जिससे इस तरह का कार्य होता है? वो है इसकी सीमाएं। हर चीज की सीमा होती है, इसी तरह बुद्धि की भी सीमा होती है, और इसीलिए इस सीमा में बंद करके वो चीज घुट करके और नष्ट हो जाती है। जैसे कि अंगूर का सुंदर स्वाद वाला रस भी अगर एक घड़े में बंद कर दिया जाए तो उसमें उसकी शराब बन के उसका नशा चढ़ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क में जो कि सीमित लिमिटेड है उसमें ये अनलिमिटेड चीजें डाल देने से एकदम नष्ट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य का मस्तिष्क ही कुछ खराब, इसका मतलब ये है कि ये जो मस्तिष्क है इसकी सीमाएं तोड़नी होंगी, इसकी सीमाएं बढ़ानी है। मनुष्य की चेतना जो है वो व्यापक करनी है, इतनी व्यापक होनी चाहिए कि उसके अंदर सत्य समाज और वो खुली होनी चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है? उधर ध्यान हमारा हटते जाता है, जब चीज सीमित होती जाती है तो इसका लक्ष्य क्या है उधर हमारा ध्यान नहीं जाता। हर चीज का लक्ष्य था कि मनुष्य का हित हो, और हित क्या चीज है इसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि हित वो है जो आत्मा का कल्याण करे। अब आत्मा स्वयं ही कल्याणमय है, लेकिन कल्याण करे माने आत्मा से हम लोगों का कल्याण, लेकिन जब आत्मा ही खोया हुआ है तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? आज का जो नवीन वर्ष है ये विशेष बात है, क्योंकि आज की जो बात हम कर रहे हैं, आज का जो हम सहयोग का कार्य कर रहे हैं, ये हम अपने मस्तिष्क को विस्तीर्ण करें, महान करें, जिसको कि श्री कृष्ण ने कहा है कि विराट का स्थान जो है वो इस मस्तिष्क में, इसके अंदर उसके जड़े हैं, उन जड़ों को हम जागृत कर रहे हैं, वो जड़े जागृत होने से ही सत्य को पूरी तरह से अंदर पोषित कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं। मनुष्य की जो सीमित प्रकृति है वो खुल जा सकती है। लेक्चर देना तो बहुत आसान है कि आप मनुष्य के हित के लिए ये करो, हित के लिए वो करो, लेकिन होता नहीं, अंत में मनुष्य अपना हित नहीं करता, उल्टे अपना भी अहित कर सकता है और सारे समाज का भी अहित कर सकता है। इस मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि हमारे अंदर हमारे हृदय में बसे हुए श्री आत्मा राम को जागृत करना और उनके प्रकाश से हमारे बुद्धि को जागृत, हमारे मस्तिष्क को जागृत। तो कैसे होता है कि हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा है वो साक्षी स्वरूप बैठा हुआ सब चीज देख,
जिस वक्त कुंडलिनी, जिसे आप गौरी माता कहते हैं, जब जागरूक हो जाती है तो मस्तिष्क में भेद करके यहाँ पर ब्रह्मरंध्र को छेदने के बाद यहाँ पर जो परमात्मा का पास है उसे आलोकित कर, परमात्मा का ही प्रतिबिंब हमारे हृदय में आत्मा से, जैसे ही हमारा आत्मा जागृत हो जाता है तो इस आत्मा के चारों तरफ ये सात चक्र के आलोक, सात चक्र के मंडल वो भी जागृत हो जाते हैं, और ये सात चक्रों की जो पीठ है वो हमारे मस्तिष्क में है, क्योंकि वो भी जागृत हो जाते हैं, इसीलिए ये सात मंडल भी हमारे हृदय में जागृत हो जाते हैं। ये मंडल जागृत हो जाने से ही हमारी जो नसें हैं या हमारी जो ब्रेन है वो एक तरह से अति सूक्ष्म तरीके से खुल जाता है, और उसके अंदर शोषण करने की शक्ति बढ़ती है, सत्य को शोषण करने की शक्ति बढ़ने से ही मनुष्य सत्य पे खड़ा हो सकता है। आज तक मनुष्य सत्य पे खड़ा नहीं हो पाया, सत्य को सुनता है, जानता है, देखता है, पर उस पे खड़ा नहीं हो सकता। सत्य को आत्मसात करने के लिए आत्मा की जागृति होनी चाहिए, और वो आज सहयोग में हो गई, सहज में ही हो गई कहना चाहिए, तो इतने लोग आत्मा को प्राप्त, आत्मा को प्राप्त होने से वो शक्ति आपके अंदर जागृत होती है जिससे आप सत्य को आत्मसात कर, जो आज डेमोक्रेसी का सत्य है वो सत्य आपके अंदर जागृत हो गया। माने ये कि दूसरा कौन है, सब तो हम ही है, हमारे ही अंदर सब कुछ है। जब आपको सामूहिक चेतना आ गई तो उसमें कम्युनिज्म का भी सत्य आ, जब आपके अंदर ही आ गए वो सत्य आप ही के अंदर प्रकट हो रहा, जब आप उसको देख करके जान करके कह सकते हैं कि इस आदमी में कौन से दोष है, और जब आप अपने को जानने लग गए, जब आप अपने को देखने लग गए, आप जब अपनी ही स्वतंत्रता को प्राप्त हो गए तो आप में डेमोक्रेसी का भी जो सत्य वो भी जागृत हो, तो स्वतंत्रता भी आ गई और एक तरह से पर का तंत्र भी आपके हाथ में आ गया, दूसरों का जो तंत्र है वो भी आपके हाथ में आ गया, और आपकी स्वतंत्रता भी आप जान सकते, क्योंकि अपना भी स्व का तंत्र आप में जान। शिवाजी कहते थे स्वधर्म ओळखाओ, स्व का धर्म जानो, स्व का माने अपने आत्मा का धर्म आप जानो, और आत्मा का धर्म जो है कहने को तो स्व है लेकिन ये जागतिक विश्व का आत्मा है, जो विश्व का आत्मा है वही हमारे हृदय में बसा हुआ, उसमें जागते ही जो विश्व की भावना, जिसको कि हम एक बड़ा भारी उदात उदाहरण और उसको बहुत बड़ी एक फिलॉसफी समझ, एक तत्व ज्ञान के रूप से जिसे जानते थे, वो साक्षात हमारे अंदर विराजमान हो, वो हमारे अंदर चमक गया, हमें उसके लिए कहीं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी को जानने की जरूरत नहीं, देखते साथ जानते हैं कि ये कहाँ इनका क्या चल रहा, उनका क्या मामला हो रहा, यहाँ बैठे बैठे आप सारी दुनिया को जान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी भारी आश्चर्य की बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं। अब अगर आप मेरे लिए कहेंगे तो मुझे तो ये लगता है मैंने तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं जैसी हूँ सो हूँ ही, वो तो अनादि से ऐसी ही हूँ, तो मेरी कोई विशेषता इसमें नहीं है, विशेषता आप लोगों की जो आपने इसे जाना माना और पाया। लेकिन सहयोग का ज्ञान प्राप्त करने पर उसका अंत नहीं होता, ज्ञान तो हो गया, ज्ञान होना माने आपके नर्वस सिस्टम पे उसे जाना, ये तो हो गया, नर्वस सिस्टम पे आप जानते हैं कि दूसरों को क्या तक शिकायत है और आपको क्या शिकायत है, ये तो ज्ञान प्राप्त हुआ। जो लोग उल्टी तरीके से चलते हैं वो सोचते हैं ज्ञान करना माने ये कि हमें बुद्धि से जानना, बुद्धि से हमें जाना, बुद्धि से जाना माने क्या कि हम अब किताबें पढ़ के जान लेंगे या हम किसी गुरु के पास बैठ करके जान लेंगे या किसी के उपदेश सुनने से हम जान लेंगे, वो नहीं जान। ज्ञान का मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम में से जाना, यही ज्ञेय शब्द,
यही वेद है, यही विद है, यही बोध है, यही बुद्ध है। यानी आज आप बुद्ध हैं क्योंकि आपको बोध होगा। बोध होने का मतलब ये नहीं किसी ने बोध पिला दिया आपको, हाँ भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो, और उससे पहले जो कुछ भी आपको बताया गया वो सब व्यर्थ ही हो गया। किसी ने बताया हाँ साहब आप सवेरे खाना मत खाइए, शाम को खाना खाइए, किसी ने कहा सवेरे खाइए शाम को मत खाइए, कुछ ऐसी वैसी सब बातें चलते चलते लोग पहुंचे कि साहब समझ में नहीं आता। कोई कहते सवेरे खाओ, कोई कहते रात को, कोई कहते इधर करो, कोई कहते वो करो, और कुछ बनता ही नहीं। लेकिन जो बोलता है उसके तो कोई चरित्र में विशेषता नहीं आई, उसका तो कोई स्वभाव नहीं बना। तो महावीर जी के इसमें मैं अभी कल ही मुझे ये चीज मिली, महावीर जी ने कहा है कि पहले ज्ञान को प्राप्त करो। तो सब जितने भी जैन लोग थे उन्होंने सोचा ज्ञान को प्राप्त करना माने किताबें पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, सम्यक ज्ञान फलाना ठिकाना। सम्यक ज्ञान कहने से क्या सम्यक ज्ञान आने चाहिए, वो तो अंदर जागृति से आएगा ना। सम्यक माने इंटीग्रेटेड, जब तक आपके सारे चक्र इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक सम्यक ज्ञान नहीं आ सकता। तो उनका भी विचार जो था वो खत्म कर दिया। पहले उन्होंने कहा ज्ञान आना चाहिए, अब ज्ञान में चल पड़े। हमारे यहाँ एक से एक पंडित मराठी में कहते पढ़त मूर्ख, पढ़ पढ़ के मूर्ख बन गए, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख बन। सो वो निकलता ही नहीं खोपड़ी में से, जो सीखा हुआ तो इतना होता है कि कभी कभी कोई पढ़े लिखे लोग आते तो उसे कहते ऐसा करिए आप दो दिन तक आप बोलते ही नहीं, जो कुछ भी आपके खोपड़ी में पहले आप मुझे बता दी, खोपड़ी से निकल जाएगा तब फिर बात करें, क्योंकि दूसरे ही सब घुसे हैं इनके सर में तो इनको कैसे घुसाया जाए। ये इस प्रकार हमारी जो बुद्धि है उसके चक्कर ऐसे चल पड़ते हैं कि जो चीज बताई जो लक्ष्य है उससे हटके। पहली चीज उन्होंने बताई ज्ञान, ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या, ज्ञान प्राप्त करने का मतलब होता है बोध। तो कैसे होगा, किसी ने ये नहीं पूछा कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने भी साफ तरीके से नहीं कहा कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, वो जमाना नहीं था। सिर्फ अर्जुन से उन्होंने बात करी, क्या दुनिया के लिए नहीं की थी कि अब लोग बैठ करके सबको गीता सुनाते हैं, सिर्फ अर्जुन के लिए था। अर्जुन एक रियलाइज सोल था, उससे बात करी, और नॉन रियलाइज से तो उन्होंने बात नहीं करी, एक अर्जुन से बात करी। और वो सारे अब दुनिया भर को आप इन्होंने तो जिनका रियलाइजेशन नहीं हुआ जो अंधे हैं उनसे आप बताइए कि हाथ में आपके सांप है, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, कभी नहीं छोड़ सकते। तो शुरुआत ही नहीं हुई किसी चीज की, अभी शुरुआत ही नहीं। जब शुरुआत हुई तो आपने देखा कि हाँ चीज ठीक है, आंख खुलती, बाप रे हाथ में सांप है आपने छोड़ दिया। लेकिन उल्टे लोग सांप ही को पकड़े रहे जब तक अंधापन है। अंधेपन का मतलब है कि बोध नहीं है आपकी नसों में, अभी तक वो सामूहिक चेतना का बोध नहीं है। जब तक ये बोध एक नया आयाम एक नया डायमेंशन है, ये जब तक आपके अंदर जागृत नहीं हुआ, कोई सा भी सत्य सुनने के लिए बड़ा अच्छा, एंटरटेनिंग जिसको कहते हैं, बड़ा मनोरंजन, लेकिन वो घुसता नहीं अंदर, वो बैठता नहीं अंदर। सुनने के लिए लेक्चर सुन लेंगे और जा करके जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर जहां से जैसे थे। अब पहली चीज जो बोध की हुई, तो बोध के बाद ही आपका चरित्र अपने आप बनता है। उसमें भी उन्होंने गड़बड़ कर दी, चरित्र बनाओ चरित्र बनाओ। चरित्र बनाने में उनका भी चरित्र बनाओ, किसी ने कहा अच्छा पगड़ी बांधो, किसी ने कहा काशाय वस्त्र पहनो, किसी ने कहा कि बोधी रखो, किसी ने ईसाइयों ने कहा कि वो इस तरह के हैट पहन के घूमो, पता नहीं क्या क्या। अब वो सब कर रहे हैं, सारे कर्म कांड कर डाले और देखा कि नर की ओर घुसे चले जा रहे हैं सब कर्म कांड कर, सब नर की ओर रास्ता बना चला जा। कोई सा भी ऐसा धर्म मैंने आज तक नहीं देखा कि जो स्वर्ग की ओर आरोहण हो रहा, सभी नर की ओर सीधे चले जा रहे। ईसाइयों से कहा भाई तुम लोग शराब क्यों पीते हो, तो कहने क्यों साहब शराब में क्या खराबी है, ईसा मसीह ने शराब बना करके और लोगों को पिलाई थी। मैंने कहा कब बनाई थी, कल एक शादी में गए थे वहां लोगों को उन्होंने वाइन पिलाई थी। अब हिब्रू भाषा में वाइन कहते हैं इसके रस को, अपने द्राक्ष के रस को, द्राक्ष को अंगूर के रस को कहते हैं वाइन।
हिब्रू भाषा। अब सोचिए, ये अकल लगाने की बात है, जो एक क्षण में कोई चीज बन जाए वो कैसे अल्कोहल हो सकती, वो शराब कैसे हो सकती। अल्कोहल को तो सड़ाना पड़ता है, बगैर सड़ी हुई चीज होती है ना अल्कोहल। सड़ा हुआ अंगूर ही बना सकते हैं ना, वो सड़ने के लिए तो टाइम चाहिए। उन्होंने तो ऐसे हाथ रखा और दे दिया। जैसे आपके माँ के साथ भी हुआ, अभी हम रोम गए थे तो वहां जिस गवर्नमेंट ने काफी मदद की और उन्होंने कहा कि इनका आप ब्रॉडकास्ट करिए, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा हमें आप पहले रियलाइजेशन दीजिए तब हम फिर आपका सब करेंगे। अच्छा ठीक है। तो हमने कहा जरा पानी मंगाओ, पानी में हमने हाथ फेरा, उन्होंने पिया तो पानी है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो पहले वाइन जैसे लग रहा। बार बार पूछे ये पानी तो नहीं, तुम वाइन तो नहीं दे रहे? मैंने पानी दिया। अच्छा फिर पिए, फिर वो कहे बार बार, फिर उन्होंने अनाउंस भी किया उसके बाद उनके टीवी में भी, उन्होंने कहा साहब उन्होंने मुझे पानी में हाथ डाल के दिया तो वो वाइन के जैसा टेस्ट था। पर वो कहने लगे कि वाइन माने शराब के जैसे नहीं, अंगूर के रस। तो बना लिया। अब वो जब क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो कोई शराब खाने के इंचार्ज थे कि क्या जी? उसी प्रकार हरेक धर्म में, अब सिख धर्म में बताया गया कि आप अपनी रक्षा के लिए कृपाण रखें, इसलिए क्योंकि उस वक्त उन पे हर तरह के आघात होते। तो अब वो बंदूकें और सांप तो गोले और दुनिया भर की जितनी भी हिंसाकारी चीजें हैं, यानी हिटलर को वो आजकल पूजा कर रहे हैं, नानक साहब को नहीं करते। हालांकि नानक साहब ने ये भी नहीं कहा था, लेकिन पूरा भी देखा जाए तो कहीं नहीं कहा गया था कि आप तोपखाने रखी, ऐसी कौन सी आप पे आफत आई। इस वक्त आफत थी तो उन्होंने सिर्फ कहा था कृपाण रख लो, भगवान के नाम पर काफी है। और किसी ने चलाया नहीं कृपाण, किसी ने चलाया नहीं था, रक्षा के लिए एक प्रतीक रूप से उन्होंने कहा रखी। पहले तो जब हम लोग छोटे थे तो सिख लोग इतना सा छोटा सा रखते थे कृपाण, इतना छोटा। अब देखती हूँ साइज बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे दिन दिन बढ़ाते सवायो, आजकल यह हालत है कि तोपखाने रखे हुआ। ये इतनी हमारी तो अभी जितनी उम्र हुई है, इस उम्र में हम ही देख देख के हैरान है कि ये इसका साइज इतने बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा क्यों हो गया। अब उन्होंने कहा था कंघा रखो, तो कंघी तो छोटी होती रहती थी, इतनी हो गई अभी तो दिखाई भी नहीं दी। और ये तोपखाने जो है इतने लंबे लंबे हो, तो ये बुद्धि के चक्कर जो है हमेशा गलत चीज पर क्यों जाते, क्योंकि मनुष्य की चेतना हमेशा नीचे की ओर जाती। लेकिन सहयोग के बाद आपको चरित्र अपना बनाना ही पड़े। अब कोई कहेगा कि नहीं साहब हमको नहीं बना, चल नहीं सकते, अपने आप बनते यो आपकी कुंडली नहीं आपको बनाती जाए, धीरे 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 आपको वैसे बनना ही पड़ेगा। वो कहेगी कि अच्छा नहीं बनते हो, चलो इस तरह से, वो टेढ़ी उंगली घी भी निकाल लेगी, वो आपको इस तरह से बना के रख देगी कि आप कहेंगे कि हार गए बाबा जो कहो। एक साहब थे तो वो उनका दूसरे दिन ही शराब वराब सब छूट गया। उसके बाद वो गए जर्मनी, उन्होंने कहा थोड़ी सी चख तो ले, यहाँ से मुझे बड़ी पसंद की वाइन क्या लगती है। वो कहते हैं कि मैंने जो पिया तो उसके बाद माँ इतनी मुझे उल्टियां आई। मैंने कहा क्यों? कल ऐसे लगे कि मैंने जैसे कोई सड़ा हुआ बुझ खा लिया। तो तुमने सड़ा हुआ बुझ कभी खाया था क्या? तो कहले नहीं, जब हम लोग डॉक्टर है ना कभी बुझ खोलते हैं तो उसकी स्मेल जो आती, मैंने सोचा कि वो सारा मैंने खाया। और उल्टी पे उल्टी उल्टी पे उल्टी, कहले मेरे खून निकल आए, इतनी उल्टियां हुई। मैंने कहा कान पकड़े, आज से कभी नहीं छूंगा ये शराब। मैं तो कुछ नहीं कहती ना मैंने उल्टी करवाई, लेकिन आप ही स्वयं साक्षात सत्य पे खड़े हैं, उसे मैं क्या करूं। आप ही स्वयं स्वच्छता में खड़े हैं, अगर आप स्वच्छ हो जाए तो आपको कोई गंदगी नहीं अच्छी लगेगी, अपने आप ही चीज घटित होने लगी। शुरू में बहुत तकलीफें होती है, कुछ कुछ लोगों को तो बहुत ही परेशानी होती है इसमें आने में, किसी में ईगो आ जाता है तो वो अजीब सा कूदने लग जाता है, मैं देखती रह जाती हूँ कि अभी तो अच्छे बैठे हुए थे अभी बंदर के जैसे कूदने लगे। फिर किसी में देखती हूँ कि एक तरह की बड़ी घृष्टता आ जाती है, किसी में बड़ा गुस्सा आ जाता है, किसी में कुछ होता है, पर धीरे 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 वो मुलायम होते जाते हैं और चीज सब बनती है। वो कैसे बनती है, क्या बनती है, वो मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन वो बनती है, क्योंकि बताने पर
आप लोग घबरा जाएं। उसके तौर तरीके जो हैं बहुत नाजुक हैं, लेकिन हैं बड़े कठिन। जैसे कि हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि किस तरह से फूल खिलते हैं, फिर किस तरह से उसके साथ कांटे आ जाते हैं, किस तरह से पेड़ बनते हैं, कैसे सुंदर सुंदर पत्तियों के आकार विकार बनते जाते हैं, ये हम कभी नहीं सोचते। जब होता है तो देखते हैं, हाँ कितना निसर्ग सुंदर है, इतने निसर्ग रम्य स्थान में हम आ गए, सब ये सोचते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये कैसे बने होंगे, कौन सी शक्ति ने बनाया होगा, किस सुंदरता से बनाया होगा, और उसके पीछे कितनी स्फोटक, कितनी भयंकर शक्ति भी हो सकती है, उसमें कुछ ऐसी भी चीज हो सकती जो इस चीज को बनने को रोके तो उसको घात करने वाली होनी चाहिए। ऐसी कोई ना कोई शक्ति और भी उसके साथ जुटी हुई है जो हर समय उसकी सुरक्षा के लिए और रक्षण के लिए खड़ी। अनेक स्थल पे आपको इस तरह से अनुभव आते रहेंगे आपके चरित्र के। एक साहब थे, उन्होंने सहयोग के बाद सब छोड़ दिया, लेकिन सिगरेट जरा छूटी नहीं। तो एक दिन वो मोटर में जा रहे थे और लोगों के साथ थे, और सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट पीते पीते उनके मोटर में एक्सीडेंट हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ, उनकी सिर्फ ये उंगली विशुद्धि की थोड़ी सी काट दी, तब वो समझ गए बात क्या। इस प्रकार धीरे धीरे चीजों से, शिक्षाओं से आप सीखते जाते हैं कि हमारा चरित्र जो है जरा इधर उधर जा रहा है, मोटर जो है वो जरा से सीधे रास्ते पर नहीं, जरा कुछ इधर उधर चल रही है, फिर आप ठीक कर लेंगे, फिर आप ठीक कर लेंगे, करते करते ऐसी दिशा में आ जाते हैं कि आप दोनों ही चीज एक्सेलरेटर और उसका ब्रेक उसके माहिर हो, मास्टर। वो मास्टरी जब आ गई तब समझ लेना चाहिए कि आप ड्राइवर हो, अभी सिर्फ ड्राइवर हो, अभी मास्टर होने के लिए आपको निर्विकल्प में उतरना है। जब आप निर्विकल्प में उतर जाते हैं तब आप गुरु महाराज हैं, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, तब आप लोग गुरु हो, अपने ही गुरुत्व करके अपने ही को सिखा कर अपने ही को समझा कर। आप गुरु ऐसे वैसे नहीं हुए, दूसरों को सिखाना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से हमारे कॉलेजेस में पहले टीचर्स के पास हम पढ़ते हैं, फिर जाके प्रोफेसर से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम गुरु होते हैं, इसी प्रकार सहयोग में भी पहले अपने ही ऊपर उसका सब अनुभव करके, उसका पूरा प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके फिर हम गुरु होते हैं। और जब हम गुरुत्व को आ जाते हैं तब फिर हम जानते हैं सबका कि हाँ हम भी ऐसे ही थे, तुमको हम जानते हैं, हाँ हाँ ऐसे ही हमारा था, यही मामला था, हम सब जानते हैं, तब फिर बहुत आसान हो जाता, तब आप गुरु हो जाते हैं। और इसको कहना चाहिए कि सहज का जो चरित्र बनना और सहज में ज्ञान को प्राप्त होकर के, ये चीज जब तक नहीं आती है तब तक मनुष्य में उसकी विशेषता नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस वक्त आप गुरु हो जाते हैं तब आपको पता होता है कि अभी हमें कमियां हैं, तब आपको कोई ना कोई तपश्चर्या करनी। वो तपश्चर्या का मतलब ये नहीं कि आप कुछ उसमें भूखे मरिए, ये तो माँ कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ को दुख देना तो आप भूखे रहिए, भूखे रहने कोई जरूरत नहीं, भूखा रहना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाइए, वो दूसरी बात है, पर परमात्मा के नाम पर आपको कौन सा तप करना है, कौन से तप से आप चलना, परमात्मा के नाम पर एक ही तप करना चाहिए, माने ये कि अपनी स्थिति निर्विचार में बनानी चाहिए, ध्यान धारणा से अपनी सफाई करके अपनी स्थिति आपको निर्विचार में बनानी। निर्विचार में जब आप आ जाते हैं तभी आपका जो ये पौधा है बढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं माँ मुझसे ध्यान नहीं होता, तो भैया आधे ही रह जाओगे, ध्यान रोज करना होगा, जब तक ये तपश्चर्या नहीं की जाएगी तब तक आप पूरी तरह से प्रकाश में नहीं, तब तक आप दर्शन जो उन्होंने कहा हुआ है उस दर्शन को प्राप्त नहीं करें, तब तक आप हमें भी नहीं समझ, तब तक आप बिल्कुल नहीं हमें समझ, क्योंकि जब तक आप में त्रुटियां रहेंगी तब तक आप उन त्रुटियों के झरोके से देखिएगा। जैसे कि कोई नीले रंग का आप अपने आंख पर पर्दा बांधे तो हम आपको नीले दिखाई देंगे, पीले रंग का बांधे तो पीले दिखाई देंगे, इसी प्रकार कोई भी विकृति आपके अंदर होगी तो उसी तरह हम आपको नजर आएंगे, हम आपको जो असलियत में नजर आएंगे ही नहीं, वो एक हमारा तरीका। तो इसलिए ये चार चीजों को आपको इस नवीन वर्ष में सोच लेना कि अब हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें अब अपना चरित्र बनाना है
और चरित्र बनाने के लिए जो हमें तप और ध्यान करना है वो हमें करना है किसी भी हालत। लोग कहेंगे साहब बाबा पास समय नहीं, लेकिन ये बात नहीं। इंग्लैंड जैसे शहर में जहाँ की इतनी ठंड रहती, लोग 4 बजे उठ के नहा करके ध्यान करते, लेकिन हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अच्छा अगले साल करें, ये साल। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, लोग तो सोचते हैं कि अरे क्या जरूरत है, हम तो कैलाश की तरफ बैठे हुए हैं, हमको क्या जरूरत है। ये दक्षिण वाले करते रहे मेहनत, हम तो उत्तर में बैठे हैं। उत्तर प्रादेशिक लोग जो हैं, तो जितने भी उत्तर में लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि हालांकि कैलाश उत्तर में है लेकिन दृष्टि उनकी दक्षिण में, इसलिए उनको दक्षिण मूर्ति कहते हैं। इसलिए चाहिए कि आप लोग भी अपनी ओर उनकी दृष्टि लाएं। उनकी दृष्टि आपके ओर लाने के लिए थोड़ी सी योग्यता होनी चाहिए और उस योग्यता में शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। यही गौरी स्वरूपा कुंडलिनी आपके अंदर जो शुद्ध इच्छा है उसको आपको जागरूक करना। जो चीज मिसिंग है जो हमारे यहाँ, इसके बारे में हमें सतर्क होना चाहिए, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। दुनिया भर के कायदे कानून हमें आते हैं, आधा वर्ष कैसे कहना और आप आइए हमारे गरीब खाने कैसे कहना, ये सब आते हैं। लेकिन ये चीज हमें नहीं आती है कि हमें अंदर का जो डिसिप्लिन है वो लाना, अंदर का वो इसलिए नहीं आया है कि गंगा यहाँ बैठी है, गंगा जी किनारे रहते हैं तो हमको कौन सी पता, जिस देश में गंगा बहती है अब उसके बासी है, अब हमको कौन सी। इस तरह के अहंकार की भावनाओं से मनुष्य का जो डिसिप्लिन का पार्ट है वो चला जाए, वो बहुत जरूरी हमारे यहाँ बैठ। और दूसरी चीज, यहाँ राजकीय आंदोलनों की वजह से जो कि आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, न जाने कितनी पार्टियां हो गई, रोज ही ये देखती हूँ एक आज एक पार्टी आ गई। जब मैं आती हूँ तो मैं पूछती भाई कितनी पार्टियां हो गई सब बता दो, मुझे तो कोई समझ ही नहीं आता। परसों एक साहब मिले तो वो पूछने लगे आप कौन सी पार्टी में हैं, मैंने कहा भाई मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ, तो कह ले मैं फलानी पार्टी में हूँ। मैंने कहा अच्छा ये किसकी पार्टी मुझे बता दीजिए, मुझे तो आज तक मैंने कान पे भी नहीं सुना किसकी पार्टी। तो उन्होंने कहा पहले वो पार्टी थी, फिर उसकी ये पार्टी हुई, फिर उसकी इतनी पार्टियां, और करते करते 16 पार्टी पे उसमें से एक पार्टी में वो। मैंने कहा नमस्कार, मुझे ये ज्ञान नहीं था। तो ये सब चीज होने से हम भी पार्टीबाजी। और आज जो दूसरा दिन है वो बड़ा सुंदर है। आपसे पहले ही मैंने बताया था कि हमें अब भाई बहन का रिश्ता तो समझ में आता है, लेकिन भाईचारा कम, भाईचारे का रिश्ता कम, बहनचारा और भाईचारा ये चीजें कम। लोग कहते हैं अगर दो औरतें कहीं रह ली फिर वो चाहे बहने हो, हो गया सत्या। लेकिन मैं तो मर्दों को भी देखती हूँ कि कुछ कम नहीं। अब इनकी लड़ाइयाँ और तरह की होती, औरतों की दूसरी तरह की। आदमियों की लड़ाइयाँ जब शुरू होती है तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि इसका स्वरूप कहाँ से पैदा हुआ, कुछ अजीब सा ही है। जैसे कि अब एक साहब आए कहने लगे कि माता जी मुझे बड़ा प्रश्न हो रहा है, ये जो साहब आए हैं ये साहब सहयोग में तो आए लेकिन ये तो थोड़े दिन हुए हैं, अब आए तो ये कैसे इतना बोलने लगे सहजों को। भैया उनको ज्यादा समझता तो बोलने लगे, उसको क्या हर्जा, आपको क्या ऑब्जेक्शन, आप भी बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं। अब वो सब ऑर्गेनाइज करने लग गए और हमें तो कोई चांस ही नहीं मिला, आप करिए ना, आप भी करिए, सब कर सकते। ये आदमी का तरीका है। औरत का और है कि देखिए वो गाना गा रही थी और हमको गाने का चांस ही नहीं दिया। दोनों पशु पेश मेरे लिए ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि अरे भाई हम बात कर रहे हैं आसमान की और आप बात, हम कर रहे हैं कि जाके आपको सितारे बना करके आकाश में हम चमकाएं, और आप लोग मिट्टी के दिए के बराबर भी नहीं बात करोगे तो फिर मैं क्या आगे बोलूं। मैं तो अवाक रह जाती हूँ जब ये बातें सुनती, मुझे बड़ा आश्चर्य, ये मुझे, ये मेरी गर्दन खींच रहे हैं, वो मेरे दबा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहली बात है माँ को खुश करने के लिए, सबसे पहले आपस में आप भाईचारा और बहनचारा, ये सबसे प्रथम चीज आपको मेरी कहने की है कि मेरे लिए आपको अगर वाकई आनंद देना है तो पहले भाईचारे। अब सहजोग का भाईचारा जैसे चलता है
वो इस प्रकार कोई आया आते साथ तेरे तो भूत लग गया तू जा। वो मेरे पास आया, माँ मेरे भूत लग गया। मैं कहती हूँ तुमको किसने बताया? वो गया था मैं, उन्होंने बताया तेरे भूत लग गया, माँ तेरा भूत निकालवा रहा। मैंने कहा तुम उन्हीं को कह दो कि तेरे भूत लग गया, तेरे को भूत भूत नहीं लगा, कहा है मेरे पीछे पड़ा, नहीं उन्होंने बता दिया मेरे भूत लग गया। दूसरा आएगा कि जो देखो वही मुझे कहता है कि तेरा ये चक्र पकड़ रहा है, माँ मेरा ये चक्र पकड़ रहा है। अरे मैंने कहा भाई तुम क्यों उसको कर तुम ऐसा करो कि उससे बताओ कि भाई तुम्हारी जागृति कर लो, धीरे धीरे सेंसिटिविटी आ जाएगी तो तुमको खुद ही पता हो जाए। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो कि तुम्हारे वो भूत लगा, तुमको ये चक्र पकड़ा, तुमको वो चक्र पकड़ा। दूसरे ये आप लोग सहयोगी हो कि नजाकत के नमूने कि एक घर भूत आया तो सारे सहयोगी भाग खड़े हो गए। अरे पूछा कहाँ भाग रहे हो, ये भूत आ गया। साहब मैं तो भूत की बात ही नहीं करने वाली थी, शुरू से मैंने तय किया था कि मैं भूत के बारे में कहूंगी नहीं। लेकिन जब अमेरिका गई तो एक देवी जी ऐसी थी कि वो जब मेरे पास आई तो उनसे मैंने कहा देखो तुम्हारे गुरु बड़े वैसे कुछ थे और तुमको कुछ ना कुछ सिद्धि देंगे, उससे बच के रहा। जब लौट के आई तो देखती हूँ कि देवी जी कहती 3,000 4,000 आदमी आते हैं, क्या चांदी के बड़े बड़े घड़े बने हुए, उससे उन्होंने मेरे पैर धोए, उनके घर ले गए और सब दूबे की भूत बैठे हुए। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रही हूँ? तो लोगों ने बताया कि ये तो घोड़े का नंबर बताती है और ये पैसा किसी का गया तो वो बताती है और मार की हाथ में चाबुक लेके लोगों। मैंने कहा माई तू घर पे, उसको घर पे बुलाया। तो मैंने कहा अच्छा बताओ इनके बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ, जो बताया तो झूठ। तो घबरा गई, कहती माँ आपने मेरे सब क्या शक्तियां ले ली? मैंने कहा बेटे तुम्हारी अपनी शक्ति थी तो सर आंखों पर, लेकिन ये तो किसी और की शक्ति थी जो भाग खड़ी हुई मेरे सामने, लेकिन मुझे तो परम चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 3 बार कहो परम चाहिए परम चाहिए। लेकिन वो पॉपुलैरिटी का जो भूत चढ़ा हुआ था उन पर, तो फिर जाके वही बन गई, अब पागल खाने में बैठी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने को इतने शक्तिशाली बनाइए कि भूत बाहर भागते फिरे। आप देखा कि एक सहयोग आ रहा तो सारे भूत दिल्ली से उठ के भाग खड़े थे, हजारों के तादाद में भाग जाए, लेकिन आप तो शक्तिशाली हो, आप तो भूतों से डरते तो और आपके खोपड़ी पे बैठेंगे नहीं तो क्या होगा? एक भूत वाला आदमी आ गया कि सारे के सारे दबक के चले गए, वो इधर गया भाई क्या बात है, वो भूत वाला अंदर आया। तो ये भाईचारे की बात। अब उसका कारण क्या है, हम अशक्त क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर संघ शक्ति। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि संघम शरणम गच्छ, संघ की शक्ति हमारी बनाई थी। हम सब जैसे भी हैं सब मिलकर के उठा। आपने तो कितने किस्से सुने होंगे कि संघ से कितने लोगों ने कार्य करके दिखाए। एक चिड़िया के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सी चिड़िया थी और वो एक जाल में फंस गई। उन्होंने सोचा कि हम लोग अगर सब मिलकर के अपने पंख पसारे तो इस जाल से हम विमुक्त हो सकते हैं, इसको उड़ के हम चले जाए। और इस तरह से उड़ के चली गई। और फिर उन्होंने चूहों से कहा कि भाई तुम हमारी अगर मदद करो तो हम इस जाल से छूट जाएंगे। तो सब चूहों ने मिलकर उनको काट दिया, उससे वो छूट। इसी प्रकार हमको भी सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी संघ शक्ति को बढ़ा लें तो कोई भूत यहाँ आएगा ही क्यों, वो तो पहले ही भाग जाएगा, एक नहीं हजारों उठ के उनके कारवा के कारवा यहाँ से उठ जाए। लेकिन हमारी संघ शक्ति कम, इसलिए हम कमजोर। हम ये नहीं सोचते कि सहयोग बढ़ रहा है जो दो हाथ लगा, सहयोग बढ़ रहा है वो बढ़ा रहे चलो उनको काटो, वो फलाना है उनके खिलाफ चिट्ठी पाको, तो वहां का सर इसी में निकल जाता है। अगर आप चिट्ठियां पढ़िए तो हैरान हो जाए, 7-7 सफे की चिट्ठियां आती है ये बताने के लिए कि वो जो काम कर रहे वो भूत है। अब मुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं कि कौन भूत है कौन नहीं। लेकिन इस तरह की ये जो हमारी बातें हो गई हैं सहयोग में कि उनके वाइब्रेशन अच्छे नहीं उनका है, मैं कहती हूँ हजारों ऐसे लोग यहाँ आ जाए तो भी आपको डरने कौन सी बात। हमारे यहाँ
महाराष्ट्र में धुमाल नाम के साहब हैं, तो मुझसे कहने, तुम लोग को भूत कहां से पकड़ते, तुम भूत को पकड़ो, तुम को भूत कैसे पकड़ते। तो एक बार हमारे यहाँ वहाँ पे राहुरी में एक आदमी आया, उसके पछाड़ा हुआ था। तो वो जब उसमें आया तो बोलने लगा कि ये तीन तीन सहयोगी उस रास्ते से जाते हैं, वहीं हम लोग रहते हैं, तो इनसे कहिए कि वहाँ से न जाए, नहीं तो हम लोग जाके डरेगा। तो ये तीन सहयोगी वहाँ से जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम लोग उस वहीं पेड़ पे रहते हैं, तो ये वहाँ से जाएंगे तो हम लोग कहाँ। तीन सहयोगी की ये कमाल है, तो आप इतने सहयोगी हैं अगर हैं, तो किसकी मजाल है किसी सहयोगी के पास भटक जाए। अपनी जो संघ शक्ति है वो बढ़ाइए, अंदर जो भी डर है उसको हटाइए, डर से आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं और आप भूत से बाधित हो जाते हैं। डरना किससे, डरने की कौन सी बात है, बहुत सा हमारा झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम किसी से डरे, आपस का झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम उस आदमी से न डरे। हमें यह डर लगा रहा था कि हमारी पोजीशन खराब जाएगी, यहां कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं, यहां कोई पोजीशन है नहीं, आज कोई प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है कि कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है कि कोई मिनिस्टर बदलने वाला है कि जो सब हालत अपनी अपनी कुर्सी संभाले बैठे हुए हैं, यहां तो सबकी कुर्सी जमाने का काम, जिसको आसन दिया वो आपका आसन जमाने का कार्य होने वाला है। तो भाईचारे से जब जमने वाली है तो क्यों ना भाईचारे में। पिछली मरतबा मैं सबसे मजाक कर रही थी, मैंने कहा कि आप किसको भाई बना रहे हैं बताओ, अब छोड़ो बहने तो बहुत बन गया, भाई बना रहे। और बहनों को चाहिए कि अपनी भी सहेलियां बनाओ, पहले बड़ी सहेली का बड़ा महत्व होता था, आजकल सहेली तो शब्द रहा ही नहीं गया, कोई भी जिसे पूछे भाई तुम्हारी कोई सहेली, मेरी कोई सहेली वहली नहीं। मैंने कहा क्यों क्यों सहेली नहीं है, नहीं बात यह है आजकल के जमाने में कौन सहेली को पाल सकता है, और इसलिए औरतों में पटना यानी असंभव बात, दो औरतें अगर हो गई तो मेरा तो सर गया, मुश्किल ये हो जाती न जाने कहां से इनको सब बातें मिलती हैं। अब फिर दूसरी बात यह भी होती कि पुरुष का तरीका जो है वो बड़ा खुला होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा ही फुटक होता है, उनके तौर तरीके से कभी कभी बड़े ही नुकसान हो सकते, लेकिन स्त्री का तरीका बड़ा अंदर से घुसता होता है। जैसे अभी एक आई तो हमें कहने लगी कि एक सहयोगिनी आई थी तो वो हमसे बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की की जिसकी शादी हुई थी उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। अच्छा यही, और जो 51 शादी हुई थी जो अच्छे से वो कोई खबर बात नहीं, माने वो न्यूज़पेपर का जो तरीका है ना, जो कुछ खराब हुआ वो बिल्कुल पहले लाइन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, फिर वो इधर जाएंगी, देखा तुमने सुना कि वो जो फलानी उसकी शादी हुई थी वो शादी थी, अरे भाई 51 शादी हो गई वो ठीक हो गई, तुमने कहां से सुना, फिर वो जाएगी तुमने सुना ऐसा हुआ। कोई ये नहीं कहता भाई कोई कही और रे प्रभु आवर, कोई प्रभु के आने की बात भी करो, वो नहीं, ये सब बातें कि ये गलत हो गया, तुमको पता है उनका उनके साथ हो गया, अरे मैं तो दंग रह गई ये कैसे। इस वजह से आपस में स्त्रियों को बड़ा भय, डरती हैं कि कैसे इनसे कहा जाए, अगर घर में कोई चीज आ तो छिपा के रख देंगी कि ये देख ले तो इनको इनकी नजर न, आपस में डर शुरू हो जाता है। और ये जो है जिस डर से इतनी ज्यादा स्त्रियां इसको कहना विपदग्रस्त हर समय परेशान रहती, उसको आप छोड़ दीजिए, एक दूसरों पे भरोसा, एक दूसरों को ट्रस्ट कर, एक दूसरों को ट्रस्ट करना सहयोग का नियम है, नियम है। अब देखिए इतना रुपया इकट्ठा होता है सहयोग में, हम लोग भी बहुत सा रुपया देते हैं और उससे ट्रस्ट है। आपको आश्चर्य होगा मैंने कभी भी ट्रस्ट का हिसाब नहीं देखा आज तक, मुझे अभी नहीं मालूम कितना पैसा है। बहरहाल हमारे भाई साहब आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उनसे कहती तुम देख लो तुम क्या करो, वो मुझे आके कहता कि अरे क्या कर रहे हो, इतने कंजूस लोग हैं, एक भी पैसा नहीं खर्चा करते, और तुम्हारे सहयोगी इतने कंजूस क्यों हैं, इनके ऊपर में इनकम टैक्स आ जाएगा। मैंने कहा इनकम टैक्स को भी हम सहयोग में आएंगे। तो सहयोगी कहते लेकिन खर्चा कहाँ करें, कोई बन ही नहीं रहा खर्चे का, तो मैंने कहा कुछ इंतजाम करो, कुछ खर्चा करो जिससे ठीक हो जाए, लेकिन आपसे कह रही हूँ कि भरोसा,
लोग बोलते कहते थे कि देखिए माँ आपको देखना चाहिए हिसाब। मैंने कहा मेरे कभी मैंने हिसाब किताब आता ही नहीं, मैं क्या देखूंगी, जो होना होने। लेकिन कभी एक पैसा इधर से उधर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होती इस हिंदुस्तान में। यहाँ पर कि आप किसी से पूछो भाई वो जमीन मिल जाएगी, नहीं वो पैसा खाता है। वहाँ गए वो हो जाएगा काम, नल मिल जाएगा, नहीं वो पैसा खाता है। जो सो पैसा खाता है, मैंने कहा कुछ खाना वाना खाता है कि पैसे ही खाते रहते। सभी लोग पैसा खाते रहते। तो ऐसी हालात में भी आपको आश्चर्य होगा कि सहजों का एक पैसा इधर से उधर नहीं, एक छदाम इधर। हमारे भाई खुद हैरान है कि भाई हमने तो ऐसे कहीं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतनी करते हजार जगह, ना कोई गोलमाल है, ना कोई गड़बड़ है, ना कुछ कार्य। ये कहाँ से आए, इतनी ईमानदारी कहाँ, ये कहाँ से आए? ये एक अपने आप के अंदर बन रहा है, और दूसरा ये माँ का भरोसा, माँ का विश्वास। इसी तरह आप एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की गलतियां को मत देखें, उसको बढ़ा चढ़ा के मत बताएं, दूसरों की आप अच्छाई बताएं। ये सोचिए सुबह से शाम तक कि उस औरत में या इस हमारे मित्र में कौन से अच्छे, कौन से अच्छे गुण। इसका मतलब नहीं आप अपने को दोष दीजिए। बहुत लोगों की ये भी आदत है मैं ही खराब हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं, आप तो बहुत ही बढ़िया। पहली चीज आप अपना दोष मत, लेकिन ये देखिए कि दूसरे आदमी में अच्छाई क्या है, उसके अच्छे गुण क्या है, उससे आप लाभित हो जाए, उससे आप नरिश हो। लेकिन आप दूसरों के दोष रोज गिनते रहेंगे, सारे दोष आपके अंदर नजर आ जाए। इसलिए दूसरों से दोस्ती करने में, दूसरों से प्यार करने में, दूसरों से वार्तालाप करने में एक मधुरता लेकर के, एक प्रेम की भावना लेकर के अगर आप करें तो सहयोग बहुत आसानी से, बहुत आसानी से आप उसे पा सकते। और सारे संसार में सहयोग कर, सारी दारो मदार यदि आपके ऊपर, मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं आपके हाथ पैर क्यों जोड़ती। लेकिन मैं इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आज शुभ अवसर, इतना सुंदर अवसर है कि आज नवीन वर्ष भी है और आज ही ये भाई बहन की बात। अब ये तो हिंदुस्तान में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, एक दो होते हैं ऐसे वैसे जो कि बेकार लोग होते हैं, उनको भाई बहन समझ ही नहीं आती, उनको छोड़ दीजिए, उनको आज नहीं समझ में आएगी, हिंदुस्तान में नहीं समझ में आएगी तो कभी भी नहीं समझ आएगा। लेकिन जो आप लोगों को समझना है वो ये जो भाई बहन आप बना रहे हैं आज के दिन, आज के जो भैया द्विज आप कर रहे हैं, उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि ये भाईचारे, इस देश में भाईचारे पर अनेक गाथाएं इस तरह से लोगों ने मिलजुल करके काम किया। सारा गांधी जी का आंदोलन, सारे 42 का मूवमेंट, सोचिए कितना त्याग लोगों ने किया। अब तो हमारे फादर खुद ही इसमें पड़े हुए थे, आपसे मैंने पहले भी बताया, तो यह हालत थी कि महलों में रहते रहते फिर जाके झोपड़ी में रहो। लेकिन सारा शहर हमारे साथ, सारा शहर, किसी दुकान में जाओ, अरे आप क्या पैसे दे रहे, पैसे देने बाद आपके बाप आ जाए, कोई साड़ी खरीदने जाओ, अरे साड़ी ले जाओ बहन, क्या बात है, आपके बाप जब आएंगे तब। कहीं कुछ कभी कमी नहीं उन लोगों ने पड़ने दी, सब हाथों हाथ उठा दी, यानी सरकारी नौकर पुलिस वाले सब साथ थे। पहले ही खबर कर देंगे कि आज आपके यहाँ वहाँ आज आने वाले हैं, हम लोगों को ऑर्डर आ गया है कि आपको वहाँ पर पकड़ने आने का है, या आपके यहाँ हम सर्च में आ रहे हैं, सब चीज हटा दो। पहले 24 घंटे पहले ही उसकी खबर आ जाती थी कि भाई यहाँ से हटा दो, और वो खुद ही लाते थे अपनी गाड़ी, पुलिस वाले खुद उसी गाड़ी में उठा कर दूसरी जगह। वो कहाँ गए, वो हिंदुस्तानी आज कहाँ गए? अगर उस स्वतंत्रता के लिए आपने किया तो ये सारे संसार के स्वतंत्रता के लिए भी तप करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा तप ये है कि आपसी प्रेम, आपसी समझदार, आपसी एक तरह की एकता, आत्मीयता। कोई बीमार पड़ गया दौड़ेगा, कोई किसी को आफत आई सब दौड़े, कोई भी चीज का शेयरिंग हो ज्यादा आना चाहिए। जैसे मुझे आप लोग कभी कभी मिठाई देते हैं, कुछ देते हैं, तो मुझे ख्याल आता है कि मैं तो खा रही हूँ, लेकिन सहयोगियों को सब जगह मिठाई शायद नहीं मिल रही होगी। और मुझे फिर कभी ख्याल आता है कि नंदन के सहयोगियों को ये वाले लड्डू बड़े पसंद आते हैं, तो आज मिठाई है, छोड़ दीजिए। ऐसा ही मन करता है कि क्या है, सारे लंदन के सहयोगी ये लड्डू बहुत शौक से खाते हैं, अब जाएंगे तो बना के उनको खिलाएंगे, सभी खा लिए तो खाने को मन। इस तरह की एक आत्मीयता, एक अंतरंग, इतनी समाधान कर लीजिए, इतनी आनंदमय होती है।
अपने लिए जीने का जो एक तरीका है वो छूट करके सबके लिए जीने का जब तरीका आ जाता है तभी मनुष्य विशाल हो जाता है। और ये विशालता आप प्राप्त कर सकते हैं सहयोग से। और आज इस नवीन दिवस पर ये विशेषता का एक संदेश अपने हृदय में रखना चाहिए कि आज से हम बस विशाल हो जाए और ये विशालता हमारे हृदय में बसे और इससे हम सारे जितने सहयोग हम सब भाई बंधु हैं, एक माँ के बेटे हैं, एक सूत्र में बांधे हुए अत्यंत सुंदरता से संजोए हुए प्यारे प्यारे सब फूल। जब हम अपने प्रति ऐसी सुंदर भावना कर लेंगे और दूसरों के प्रति भी, तभी जा करके एक सुंदर सा हार तैयार हो सकता है। कोई से भी एक फूल उसमें खराब हो जाने से गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सब लोगों को इसी धारणा से चलना चाहिए और हमारा अनंत आशीर्वाद है कि आप सब लोग इस विशेष रूप को प्राप्त करें। रागा जय जयवंती। प्लीज पुट योर अटेंशन ऑन विशुद्धि चक्र, वन ऑफ द मोस्ट मेलोडियस बट कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमैटिक क्लासिकल रागा। लेट्स एंजॉय रागा जय जयवंती।
Magare gama pavamma, re gama vada pama, re ni ta pama gare ga, ne sada da ni re, re gama vada pama ga. Re ga ma pa da ni da, re ni da, ni da pa da ma ma. Re ga ma pa ma ga, re ga re, re ga ma pa re pa ma. Re ga re, re ga ma pa re ni da pa ma ga re ga ga re re ni sa. Magare gama pa pa da magare magare gama pa da pa ma da pa ma re magare gama pa magare gare sa 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 magare gama pa ni Magare gama bani ni 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 ni
Dare 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 d